नमस्कार दोस्तों, ये जे पार्टी में आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने मोबाइल में स्पीड वीपीएन से किसी भी अदर कंट्री का सर्वर को कैसे यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन पर प्रेस करो, ऑल पर सेट कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिला करेगी। तो दोस्तों सिंपली आपको अपने मोबाइल में स्क्रीन पर आ जाना। मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद आपको सिंपली अपने प्ले स्टोर को ओपन करना है और आपको स्पीड वीपीएन फायर सर्वर करके लिख देने का है। तो लिखने के बाद आपके सामने कुछ इसी तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो इधर आप देख सकते हो इसका रेटिंग वगैरह, डाउनलोडिंग वगैरह काफ़ी हद तक बहुत अच्छा है, और इधर आप देख सकते हो। तो दोस्तों इसे कैसे यूज़ करते हैं, तो दोस्तों हम इसे सिंपली ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो कुछ इसी तरह का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो इधर इसी तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो इधर आप इसे कैसे यूज कर सकते हो, तो दोस्तों इधर देख सकते हो इधर आप कौन सी भी कंट्री को यूज़ किस तरह से कर सकते हो। तो इधर आपको सिंपली इधर आपको ऊपर USA लिखा हुआ है, उस पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हो कि इधर आपको बहुत सी कंट्री मिल जाएगी, और इनका स्पीड भी देख सकते हो कि कितना प्रसिद्ध इनका स्पीड है, जो कि नेट स्पीड कितना है। तो दोस्तों इधर देख सकते हो कि इसका आपका नेट स्पीड कितना है और कैसे इसे यूज करते हैं। इधर प्रीमियम इसका लेना चाहते हो तो वो भी इधर देख सकते हो कि इधर आपको प्रीमियम भी मिल जाएगा, और इधर आपको फ्री वाला भी मिल जाएगा। तो दोस्तों इधर हम एक कंट्री को सेलेक्ट करके दिखा देते हैं, जो कि कनेक्ट करके आपको दिखा देते हैं किस तरह से आपको कनेक्ट करना है। तो सिंपली इस पर कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद दोस्तों देख सकते हो कि आपका कनेक्टिंग चालू हो गई है, और दोस्तों उसे आप कनेक्ट आसानी से आपका आप इधर देख सकते हो कि आपका कनेक्ट हो चुका है, जो कि आपका सर्वर कनेक्ट हो चुका है। और दोस्तों इसे आप डिसकनेक्ट करना चाहते हो तो सिंपली उस पर आपको वापस क्लिक करना है, और देख सकते हो कि आपका जो कनेक्ट था वो डिसकनेक्ट हो चुका है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।